फिल्म्स में हम सूर्य हो, आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजी। आज मैं बात करूंगा सलमान खान के बारे में और उनके 10 साल के कैरियर ग्राफ के बारे में और क्यों इतनी नेगेटिविटी फैल रही सलमान खान के बारे में, वो भी बात करूंगा और किस तरह से उनके फैंस को एटलीस्ट बिहेव करना चाहिए या बाकी लोगों को समझना चाहिए कि सलमान खान कितने बड़े स्टार है, वो इस वीडियो में मैं बताऊंगा। खलील अकमल जी ने ये रिक्वेस्ट किया था सऊदी अरब से, मुझे कहा कि सूर्य भाई एक वीडियो जरूर बनाइए क्योंकि उन्हें बहुत बुरा लगा कि रेस थी के बाद जैसे ही फिल्म उतनी बढ़िया नहीं चली लोगों के जो नेगेटिव क्रिटिसिज्म है बहुत ज्यादा आने लगे, ऐसा लगे जैसे कि सलमान खान कोई नया एक्टर है और कभी उन्होंने हिट सुपर हिट फिल्म जैसे दी ही नहीं हो, तो उनको ये बात बहुत बुरी लगी। उन्होंने कहा कि सूर्य भाई सलमान खान के अगर 10 साल के कैरियर ग्राफ भी अगर निकाल के देखे तो किसी एक्टर ने इतनी बेहतरीन फिल्में नहीं दी है जितनी सलमान खान ने दी है। तो बिल्कुल सही बात है, सुल्तान ले लीजिए, बजरंगी भाईजान ले लीजिए, टाइगर जिंदा है ले लीजिए, अभी तक बॉलीवुड में कोई ऐसा एक्टर नहीं जिसे 3 बार 300 करोड़ के ऊपर तक का कलेक्शन दिया हो, वो भी कुछ सालों के भीतर। सुल्तान उसके बाद बजरंगी भाईजान और बजरंगी भाईजान सुल्तान उसके बाद टाइगर जिंदा, बहुत ज्यादा वक्त नहीं, 2-3 सालों में ये कारनामा किया सलमान खान ने जो किसी स्टार ने अभी तक नहीं किया है। एडवांस बुकिंग के मामले में भी ऊपर है, टॉप 10 फिल्मों के बारे में मामले में भी सलमान खान की फिल्में कम से कम 4 से 5 है, तो हर तरह से जब सलमान खान इतने पॉपुलर है तो इतना भी ज्यादा नेगेटिव चीजें कहने की या ट्रोलिंग करने की या फिर हेटर्स को इतना ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। सलमान खान की फिल्में मानता हूं कुछ कुछ फिल्में उतनी ज्यादा नहीं चली पिछले 10 सालों में, और जैसे जय हो एक हो और जैसे एक बात करें ट्यूबलाइट हो, बहुत ज्यादा नहीं चली, लेकिन हाँ उन फिल्मों ने अपना बजट रिकवर किया था जहां तक मेरा मानना है। और सबसे बड़ी बात है कि उनकी फिल्में फ्लॉप नहीं हुई है पिछले 10 साल के कैरियर ग्राफ में, आई डोंट थिंक कोई उनकी फिल्में फ्लॉप हुई है। और एज ए प्रॉपर जिनका जिनमें उसका रोल है गॉड टू सी ग्रेट हो के बारे में तो आइडिया नहीं, अगर उसमें थे तो एक फिल्म थी ना राइट अमिताभ बच्चन के साथ उसका आइडिया नहीं मुझे ज्यादा, बट हाँ बहुत ज्यादा फिल्में जो भी उन्होंने की है उसमें कोई ज्यादा फ्लॉप नहीं रही है, अपना बजट रिकवर कर चुकी है, ब्लॉकबस्टर रह चुकी है, सुपरहिट फिल्में रह चुकी है पिछले 10 सालों में, जो चार्ट हुआ था वॉन्टेड से, फिर दबंग से, दबंग 2 आई, उसके बाद रेडी किक, तो एक से एक फिल्में दी है यार। तो यार ये सवाल उठाना कि सलमान खान का कैरियर ग्राफ यार कितना बुरा होगा या क्या होगा या रेस थी के बाद क्या सलमान खान करीबन खत्म है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग टारगेट कर रहे हैं कि यार इस फिल्म को बहुत नेगेटिव रिस्पांस मिला है, आईएमडीबी पे रेटिंग बहुत कम है, तो ये सब चीजों से आई थिंक जो है लोगों में बहुत ज्यादा गुस्सा है या फिर कई सारे सलमान खान के फैंस अपसेट भी किया इतनी बुरी फिल्म करने की सलमान खान को क्या जरूरत थी। सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, एक एक्सपेरिमेंट करना बनता है, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। एक 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 तौर पे अगर ये कहते हैं हम कि यार करण जौहर या बाकी कुछ डायरेक्टर्स ऐसे कि वो नेपोटिज्म करते हैं, यानी कि सिर्फ स्टार्स के बच्चे यानी कि बड़े बड़े जो एक्टर्स उनके ही बच्चों को लेकर उन्हें ही हीरो हीरोइन के हिसाब से लेकर लॉन्च करते हैं, तो ऐसे में सलमान खान ने कुछ जरूर अलग किया है। बॉबी देओल को बुलाया, उनकी फिल्मों का ग्राफ उतना बढ़िया नहीं था, 4-5 सालों से वो कोई फिल्में नहीं कर रहे थे बहुत बढ़िया, और यहाँ पे साकिब सलीम को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया, डेजी शाह को इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया और जैकलिन फर्नांडिस के साथ वापस आए, रेमो डिसूज़ा के साथ वापस आए। आपको अगर अभी भी लगता है कि फिल्म बुरी है तो मुझे आई थिंक ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं, मेरे ख्याल से फिल्म उतनी बुरी नहीं है, मैं पहले भी उसी स्टैंड पे था, अभी भी उसी स्टैंड पे हूं, एटलीस्ट कुछ अलग देखा होगा आपने इस फिल्म में। ऐसे नहीं आप कह सकते यार मैं कुछ अलग नहीं था, वही बकवास नाटक था, कुछ चीजें तो अलग थी, एक्शंस के मामले में ही सही लेकिन कुछ चीजें अलग थी, इससे आप भी एग्री करोगे। तो मेरा बस यही कहना उन सभी हेटर्स को, उन सभी ट्रोलर्स का, जो मेरे खलील भाई ने भी कहा कि भैया सलमान खान वापस आएंगे और बिल्कुल ईद के मौके पर 2019 में भारत के साथ, और एक कमाल की फिल्में होगी, और यहां पर लास्ट कैरियर ग्राफ भी देखे 10 सालों में तो आप उंगली नहीं उठा सकते कि सलमान खान ने कोई भी बड़ी से बड़ी फ्लॉप दी है या फिर उनका कैरियर ग्राफ बहुत बुरा है। मेरे ख्याल से सलमान खान वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार है फिलहाल पिछले दशक के, और सबसे ज्यादा उन्होंने ही कमाई की है, ये आप निकाल के देख लीजिए, अगर इंडिया में देखा जाए तो बहुत ज्यादा कमाल किया उनकी फिल्मों ने, और अभी भी उनकी चाहे सीएल हो चाहे शोज हो चाहे वो अभी फिलहाल दबंग टूर भी करे, तो हर चीजें वो कर रहा है बंदा यार। उसके बाद आप अगर बोलते हो कोई बहुत ज्यादा अच्छी फिल्म नहीं है तो आप कहते हो यार उतनी अच्छी फिल्म नहीं है, उतना अच्छा चीजें नहीं। मैं एक चीज आपको कहूं, एटलीस्ट आप अगर परफॉर्मेंस वॉइस भी जाए सलमान खान की रेस थी को लेकर, इट वॉजेंट ए बैड परफॉर्मेंस, कोई बुरी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन हाँ यहाँ पर छुरी वीक होने की वजह से आई थिंक पूरा का पूरा बोलते ना एकदम इम्पैक्ट पड़ गया। तो ये मेरी राय थी आपके सलमान खान के लिए, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया कलीम जी इतना एक
कहने के लिए कि इस पर वीडियो बनाई है। मुझे आई होप आपको अच्छा लगा ये वीडियो और सभी को अच्छा लगा होगा। तो यार पॉइंट मत कीजिए सलमान खान के ऊपर, क्योंकि हर किसी एक्टर्स के बहुत अच्छे और बहुत बुरे भी दिन आते हैं। तो एक ये वो फेज की तरह था जहां पर थोड़ा बहुत आई थिंक फिल्म डगमगा गई, तो इसलिए सलमान खान पे लोग उंगलियां उठाए लगे। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ जब आएगी भारत फिल्म तो लोग सलाम वापस ही करेंगे सलमान खान को, इतना काफी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।